हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फरू फूड एंड ब्लॉग्स। आज की हमारी रेसिपी है ये साबूदाना। आप देख ही रहे होगे, मैंने भिगो के रखा है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए आप देख सकते हो। सो, हम बनाएंगे आज साबूदाना और चावल की खीर। बहुत ही अच्छी लगती है गाइस, आप भी ज़रूर ये बनाना। और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैंने दूध ले लिया था, उसे मैंने गर्म करने चढ़ा दिया और इसमें साबूदाना जो भिगा के रखा था वो डाल देंगे। और इसमें चावल भिगाया था वो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से धीरे आंच पे चलाते रहेंगे। अच्छे से चलाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए, और चावल और साबूदाना ना पक जाए जब तक इसे अच्छे से चलाना है। सो गाइस, ये गाढ़ा हो चुका था। इसमें हम काजू काट के मैंने रखा था और ये बादाम वो डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। ये मैंने 4 इलायची ली है, उसे अच्छे से कूट लेंगे, उसका ऊपर का छिलटा निकाल देंगे। और ये मैंने मलाई ली है, घर की मलाई, ताज़ी मलाई ली है। ये देखिए, गाढ़ा हो चुका है, आप देख ही सकते हो। ये देखिए, आप चाहे तो इसमें केसर अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो सो मैंने नहीं लिया। अभी इलायची पाउडर मैंने डाल लिया है अच्छे से कूट के। और ये मिल्क मेड डालेंगे अच्छे से। पूरा एक डब्बा था मेरे पास तो वो मैंने पूरा ले लिया, क्योंकि इसमें शक्कर मैंने नहीं डाली थी, थोड़ी सी डाली थी। सो मैंने मिल्क मेड ले लिया। ये किशमिश डाल देंगे, मुनक्का बोलते हैं इसे। और ये शक्कर ली है मैंने, थोड़ा सी फीका लगा तो हमने शक्कर डाल दिया 2 चम्मच। सो गाइस, ये खीर बनके रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और इसे मैंने अच्छे से डेकोरेट कर लिया। पूरी के साथ भी आप खा सकते हो या फिर ऐसे भी खा सकते हो। मुझे तो पूरी के साथ बहुत पसंद है, सो मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छी बनी थी गाइस। आप भी ज़रूर ट्राई करना। और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हो तो नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप सब पर नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़। और लाइक शेयर ज़रूर करना। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में आज।